रंग मचाया था भाई विपिन मलन जी को याद है, एनडीए के अध्यक्ष बैठे हैं हमारे अध्यक्ष भाई राकेश जी। आज उस शुरुआत को दोबारा एक ऐसे जिंदा दिल व्यक्तित्व ने किया है जो कप्तान और अब यहाँ से विदाई लेकर डीआईजी के रूप में जाएंगे, श्रीमान लव कुमार जी ने, सुनीति जी, पूरा पुलिस परिवार। मैं हर बार ये कहता हूँ कि ये अभी तो हमारे परिवार के लोग हैं। और इस बार की मुझे याद है 26 जनवरी की परेड में भी हमने याद किया था कि अगर हम अपने परिवार के सदस्यों को अपना लोग नहीं मानेंगे, वो दीवार मानेंगे कि मैं आम आदमी, मैं यहाँ का निवासी और ये पुलिस वाले, ये सब अपने ही लोग हैं, इनके साथ मिलना जुलना, इनके साथ मिलकर ऐसे तीज त्योहारों को मनाना सामाजिकता के भाव को पैदा करता है। और ख़ासतौर पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गौतम बुद्ध नगर जैसे शहर में भाई आदित्य फिलडियाल जी जैसे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, भाई मोहन शर्मा जी हैं, पंकज कौशिक जी हैं, ये सब लोग सूत्रधार बनते हैं हमारे इंडस्ट्री एसोसिएशन के लोग यहाँ खड़े हुए हैं, पत्रकार छायाकार बंधु बने हुए हैं, खड़े हुए हैं, हम सब लोग एक सूत्रधार बनते हैं आपस में एक दूसरे को जोड़ने का। और अगर सच पूछे तो संवादहीनता ही बहुत सारे विकारों का कारण बनती है। अगर ये सामाजिक भाव बना रहे, समाज के सब वर्गों में इस तरह मिलने जुलने का कार्यक्रम बना रहे, संवादहीनता ना हो, खासतौर पर इन शहरों में, मैं एक ऐसे सेक्टर में रहता हूं जो सेक्टर इसके लिए बदनाम है, आज ऐसे आयोजनों की बहुत जरूरत है। मैं पुनः धन्यवाद देता हूं लव कुमार जी को, पूरी पुलिस परिवार को, कि आप सर और हम सब लोग मिलकर इस शहर की गंगा जमनी तहजीब को आगे बनाए रखें। ये त्यौहार होली का त्यौहार, रंग का, उत्सव का त्यौहार है, आनंद का त्यौहार है, और खुशियां बांटने और दूसरों को खुश करने और उनके गिले शिकवे दूर करने का त्यौहार है। मैं पुनः बधाई देता हूँ, बड़ी अच्छी एक किताब मिली मुझे अभी पिछले दिनों, आजकल मोदी जी ने कह रखा, आजकल वो पूरे देश भर में होली मनाने का काम कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कोई कोना बच ना जाए या होली के रंग ना पहुंच जाए, पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं। तो अभी मुझे पिछले दिनों दो किताबें मिली, बड़ी सुंदर किताब थी, Who will cry when you will die, कि जब आप दुनिया से जाओगे तो रोएगा कौन, अपने पति पत्नी बाप बेटे माँ बच्चे ये तो रोएंगे, लेकिन क्या उसके सिवा भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे दुनिया से जाने के बाद रोएंगे। मैंने ये शब्द खासतौर पर लव कुमार जी के लिए इस्तेमाल किए हैं कि अब जब उनकी विदाई शहर से डीआईजी होकर होगी तो कुछ ऐसे लोग होते हैं, अधिकारी होते हैं, जो अपनी यादें छोड़ जाते हैं सब लोगों पर, और लोग ये इंतजार करते हैं। बल्कि मैं ईमानदारी से मैं आपको बता दूं, मैंने मुख्यमंत्री से कहा क्या ये संभव है कि लव कुमार जी को अभी और कुछ दिन यहाँ डीआईजी बनने के बाद भी रहने दिया जाए। उन्होंने कहा व्यवस्थाएं तो इसकी परमिशन नहीं देती, लेकिन देखता हूँ कितने दिन खींच सकता हूँ। ये हमारी वास्तविक कमाई है कि कितने ऐसे लोग हमने अपने जीवन में कमाए, पैदा किए, बनाए, जो हमारी विदाई के बाद भी हमें याद करें, और उनमें लव कुमार जी का समय हमारे लिए यादगार समय रहेगा। मैं पुनः आप सबको और आपने पूरे परिवार को, इस क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन आया है कानून व्यवस्था में, और खासतौर पर गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र के लिए मैं समझता हूँ कानून व्यवस्था का बहुत बड़ा रोल है। पूरा प्रदेश की शो विंडो है हमारा ये गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण, और देश ही नहीं विश्व के लोग भी ललचाई नजरों से हमारी तरफ देखते हैं, उसको बड़े तरीके से सुनते हैं। आज के जब मैं कभी एम्बेसीज वगैरह में भी जाता हूँ, यस डॉक्टर, नाउ यू विल हैव अनदर एयरपोर्ट, यू कैन प्लान ऑफ इन्वेस्टिंग इन योर एरियाज, सो आई थिंक दैट इसमें भी ये यादगार समय याद किया जाएगा कि आपके समय में एक एयरपोर्ट की शुरुआत होगी, यहाँ कुछ देशी विदेशी और लोग भी आएंगे, निवेश करेंगे, इस शहर का नाम बढ़ेगा आगे। मैं पुनः आप सबको शुभकामनाएं, और पुलिस परिवार को, अपने को, और उनके लीडर लव कुमार जी, सुनीति जी, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई भी देता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया।